सुंदरबन जंगल में कड़कनाथ नाम का एक कौवा रहता था। किसी बीमारी की वजह से जिंदगी के आखिरी वक्त से गुजर रहा था। कड़कनाथ अपने खानदान का अकेला कौवा है, जिसके घर में दो नौकर हैं, टुनटुनी और बंटी कबूतर। कड़कनाथ सेठ को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उसने जंगल के पक्षियों से बेमानी कर जो पैसे कमाए वो उसके काम नहीं आए। मरने के बाद उसकी सारी दौलत रिश्तेदारों के हाथ लग जाएगी, इससे भी उसको कोई फायदा नहीं था। कड़कनाथ सेठ की आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये दौलत उसके रूह की आज़ादी की वजह बने। इसके लिए कड़कनाथ सेठ टुनटुनी और बंटी कबूतर को बुलाता है और उनसे कहता है, बंटी कबूतर, टुनटुनी, तुम दोनों मेरे वफादार नौकर हो। मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी चंद रुपयों की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं दिया। मालिक, आप सेहत याब रहिए, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं कुछ देना चाहता हूँ। क्या मालिक? मैं अपनी दौलत तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? मैं कुछ समझी नहीं मालिक। आज दिन भर तुम दोनों अपनी अपनी समझ के मुताबिक भलाई और नेकी का काम करो और शाम को आकर बताओ। मुझे जिसकी नेकी बेहतर लगेगी मैं अपनी जायदाद उसके नाम करूँगा। टुनटुनी और बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ की बात सुनकर हैरान होते हैं और दोनों सोचते हैं कि ऐसा क्या काम करें जो कड़कनाथ सेठ को पसंद आ जाए। अगली रोज सुबह होते ही टुनटुनी और बंटी कबूतर नेकी और भलाई का काम करने के लिए घर से निकलते हैं। टुनटुनी अभी तक ये नहीं सोच पाई कि उसे भलाई के नाम पर क्या करना है, लेकिन बंटी कबूतर के दिल में दौलत हासिल करने के लालच ने उसे नेकी के कई काम सुझा दिए हैं। बंटी कबूतर सबसे पहले मंदिर में चंदा देता है, मंदिर के बाहर बैठे गरीब पक्षियों को भी रुपए पैसे से मदद करता है, अस्पताल में जाकर जख्मी पक्षियों को दवाइयां खरीद कर बांटता है, जंगल के पुराने स्कूल की मरम्मत करवाता है। टुनटुनी ऐसे ही किसी नेक काम के लिए घर से निकलती है। उसे रास्ते में गाय मिलती है जो कचरे के साथ पॉलिथीन खा रही थी। अचानक वो गाय गिरकर तड़पने लगती है। टुनटुनी उसे फौरन जानवरों के अस्पताल ले जाकर इलाज करवाती है। उसके पेट से बहुत सारा पॉलिथीन निकलता है। इसके बाद गाय ठीक हो जाती है। हे भगवान, अब तो शाम हो गई। मैं कड़कनाथ सेठ से जाकर क्या कहूँगी? मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मैंने नेकी का कोई काम नहीं किया, बल्कि खुशी है कि मेरी कोशिश से गाय की जिंदगी बच गई। टुनटुनी गाय को अस्पताल में छोड़कर कड़कनाथ सेठ के पास जाती है। बंटी कबूतर भी कड़कनाथ सेठ के पास आता है और अपने पूरे दिन का काम कड़कनाथ कौवे को बताता है। बंटी कबूतर अपनी नेकी के सभी कामों को एक एक करके गिनवाता है और टुनटुनी सिर्फ इतना ही बताती है कि उसने सारा दिन गाय के इलाज पर खर्च कर दिया। टुनटुनी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाती है। बंटी कबूतर और टुनटुनी, मैंने तुम दोनों की बातें गौर से सुनी। बंटी कबूतर, तुमने दिन के 8 घंटों में 800 भलाई के काम किए हैं। शुक्रिया मालिक। टुनटुनी, तुम दिन भर में गाय के इलाज के अलावा और कुछ नहीं किया, तुम्हारे हिस्से में एक ही काम है। मालिक, मैं गाय की हालत देखकर सब कुछ भूल गई थी, मुझे आपकी जायदाद की बिल्कुल याद नहीं रही। टुनटुनी, तुमने मेरी जायदाद हासिल करने की फिक्र छोड़कर गाय की जान बचाई है, यह सबसे बड़ी नेकी और भलाई का काम है, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी जायदाद का सही इस्तेमाल करोगी और इससे मुझे सुकून मिलेगा। मालिक, आपने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा? बंटी कबूतर, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी कुछ दे कर जाऊंगा। मालिक, मुझे आपकी जायदाद की ख्वाहिश नहीं है, आप बंटी कबूतर को ही सब कुछ दे दीजिए। नहीं टुनटुनी, आज से तुम ही मेरी जायदाद की मालकिन हो। बस एक ही गुजारिश है तुमसे, मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल करना। टुनटुनी कड़कनाथ को शुक्रिया अदा करके उस गाय के पास जाती है जिसका उसने इलाज करवाया है। टुनटुनी गाय के पास जाकर उसे चारा खिलाती है। गाय पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ये सड़कों पर फिरने वाली आवारा गाय है, इसलिए उस गाय को कड़कनाथ के घर लेकर आती है और गाय के साथ खुद भी वही रहने लगती है। टुनटुनी अब एक बेटी की तरह कड़कनाथ की खिदमत करने लगती है, वक्त पर दवाई और खाना पीना देती है, गाय का ताज़ा दूध पिलाती है। टुनटुनी, तुम मेरी कितनी खिदमत करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। टुनटुनी, आज से तुम मुझे अब्बू जान कहोगी। ठीक है अब्बू जान, जब तक आप पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाते मैं आराम नहीं करूंगी।
टुनटुनी की खिदमत के सामने यमराज को भी झुकना पड़ा और कुछ ही रोज में कड़कनाथ बीमारी को शिकस्त देकर सेहत याब हो जाता है। टुनटुनी बेटी, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मेरी पूरी तरह सेहत दुरुस्त है, यह तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं अब्बू जान, आपके दुरुस्त होने में दवाइयों के साथ गाय के दूध का भी करिश्मा है। हाँ बेटी, गाय के दूध ने मेरे जैसे बीमार के लिए जड़ी बूटी का काम किया है, बेजान जिस्म में जान डाल दी है। हाँ अब्बू, जब एक गाय करिश्मा कर सकती है तो हजारों लाखों गाय इस मुल्क को बदल सकती है। टुनटुनी, गाय हमारे लिए ऊपर वाले की नेमत है, आज से हम अपनी जिंदगी और दौलत गायों की खिदमत में लगाएंगे। कड़कनाथ सेठ और टुनटुनी मिलकर गाय की खिदमत को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं।